जहां पिथौरा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्याम सुंदर एरन ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिथौरा पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है और सुसाइड नोट में मरने वाले ने अपने साथियों का जिक्र किया है, दो लोगों का नाम लिखा है। करीब 4 करोड़ के लेन देन का ये पूरा मामला बताया जाता है। ठेकेदारी का कार्य किया करते थे मृतक शारदा कंस्ट्रक्शन के नाम पर इनकी फर्म है जो इनकी धर्मपत्नी के नाम पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पिथौरा पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रमेश सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश, क्या और जानकारी इस पूरे मामले में आपके पास? पूरा मामला बता दें आपको, आज सुबह करीब 6 बजे सूचना मिली कि श्याम सुंदर एरन जो भी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने आज अपने घर पे लेंटर के ऊपर में जो सज्जा रहता है वहाँ जो है आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया, उसकी मौत हो गई है। उनके सुसाइड नोट में पिथौरा पुलिस ने एक पत्ते का एक लेटर बरामद किया है जिसमें श्याम सुंदर जो शारदा कंस्ट्रक्शन के नाम से उनके ठेकेदारी चलती थी उनकी पत्नी के नाम से, उन्होंने दो लोगों के खिलाफ में लिखा हुआ है, उसमें नितेश सिंघानिया है भिलाईगढ़ से और एक सुनील अग्रवाल किसान इंड कंपनी के नाम से लिखा हुआ है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि इन लोगों से इनको पैसा लेना है और इन लोग इनको बहुत दिनों से घुमा रहे हैं, ठेकेदारी का पैसा था, इन लोग पैसा के लिए बहुत बार इनको श्याम सुंदर जी ने जो पैसा का मांग किया था अपने, लेकिन इन लोग जो है पैसे नहीं दे रहे थे। पूरे लेटर में ये बताया गया है कि इन लोगों से वो आत्महत्या कर रहे हैं, इतना बड़ा कदम उठाया है और इन पैसे को अपने परिवार को दिलाने की बात कही है और पूरे क्षेत्र में जो है इस घटना से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप सी मच गई है। इतने बड़े नेता जिन लोगों का सुसाइड नोट में उल्लेख किया गया है, दो लोगों का, क्या उनसे पुलिस से पूछताछ की? अभी पुलिस अभी उनके घर पे ही और जो है जांच पड़ताल कर रही है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। यहाँ पूरी पुलिस की जो टीमें हैं यहाँ उनके घर पे ही हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उनके परिवार के सदस्यों से अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। सुसाइड नोट को पुलिस ने अपने पास रखकर जब्ती की कार्रवाई की हुई है और अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाया गया है, उनकी तैयारी की जा रही है। इतने ये मौत का कारण को देखते हुए जो है लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं और ये चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आप चाहिए भी लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। साझा कमिश्नर आनंद कुमार शर्मा ने